Hello friends, welcome to join the classes for neet, aiims, jipmer and ITJ. So दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर. हमने इससे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का दो वीडियो देख लिया है, हम लोगों ने दो चैप्टर्स कवर किया है वहाँ पे. ठीक है, हमने देखा कि हर चैप्टर में अभी तक जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं वे 80-90% एनसीईआरटी से ही हैं, और लास्ट 10 ईयर में तो मोस्टली एनसीईआरटी ही है, एक आध दो क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो. तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. तो हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक फर्स्ट, ब्लड एलिम्स. क्वेश्चन फर्स्ट, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर हिज फॉर दिस फीचर. तो ऑप्शन वन है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, टू है दे आर सोमेटिक सेल्स, थ्री है दे डू नॉट मेटाबोलाइज, एंड फोर है ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. तो आरबीसी के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 2 और 3. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. और यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 279 पे जो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 2, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड बिल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, आप बुक को पढ़ो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी. तो ब्लड के जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ब्लड में प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेड बोन मैरो. ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपियंट बिकॉज ही एच. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आर बी सी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा. तो आंसर आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ ग्रुपिंग में, पेज नंबर 280 पे. क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये फिगर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 279 पे. बेसोफिल का फिगर है और इसका फीचर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल, मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल फैगोसाइटोटिक. तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फाइब्रिनोजेन. ये आपको ब्लड कोएगुलेशन पे मिल जाएगा, पेज नंबर 281 पे आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्लीन. ये भी आपको पेज नंबर 279 पे एरिथ्रोसाइट्स वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मिल जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. क्वेश्चन नंबर 9, एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. इट हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड आई. सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4. ये भी आपको एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम में मिल जाएगा, पेज नंबर 280 पे. क्वेश्चन 2010 में आया हुआ था. क्वेश्चन 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमंस. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दे कैरी अबाउट 20-25% ऑफ CO2. यह क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इन द एबीओ ग्रुपिंग, इट इज नेम्ड एबीओ एंड नॉट एबीसी बिकॉज ओ यूनिट रेफर्स टू हैविंग.
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नो इंटीजर्स ए एंड बी एन और बी सी। ये भी आपको एवीओ ग्रुपिंग सिस्टम पेज नंबर 280 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोर डब्ल्यू बी सी एंड नो आर बी सी। ये आपको लिम्फ वाले हिस्से मिल जाएगा पेज नंबर 282 पे। देयर इज नो डीएनए इन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेच्योर आरबीसी। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इस वजह से डीएनए भी एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोब्यूलिन्स कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमली इन्वॉल्व इन। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर, तो करेक्ट आंसर है इसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। मैंने देखा था ग्लोब्यूलिन्स के बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 279 पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हेपरिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेसोफिल्स। आपको पेज नंबर 279 पे ही नीचे थोड़ा नीचे से दूसरी तीसरी लाइन देखोगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट एक्टिव फैगोकाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोकाइट्स। पेज नंबर 279 पे मिल जाएगा, 2008 में आया हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फिटस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन फोर स्लाइड्स, व्हिच ऑफ देम विल नॉट कोएगुलेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड सीरम। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ब्लड के पार्ट्स में आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मैंने एनसीईआरटी में देखा है। ये आप देख सकते हो पेज नंबर 279 भी सबसे नीचे लाइन है, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो यही सेम क्वेश्चन है, 2007 में आया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। क्वेश्चन भी देखा जाए तो एनसीईआरटी का ही है, बाहर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द एवीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इफ बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में ये आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, 2004 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लाज्मा। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, विच ऑफ देम विल यू नॉट यूज फॉर द पर्पज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाई कार्बोनेट। एनसीईआरटी से बाहर से आया हुआ क्वेश्चन था, 2004 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स। ब्लड के सभी कंपोनेंट लिम्फ में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स को छोड़ के। तो आप लिम्फ वाले हिस्से को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी पेज नंबर 22 पे। थोड़ी सर्दी लग गई मुझे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नो इंटीजर्स बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 23 भी एनसीईआरटी से 2001 में आया था क्वेश्चन, ए बी ब्लड ग्रुपिंग से ही है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोकाइट्स, ल्यूकोकाइट्स के बारे में क्या सही है। क्वेश्चन 279 पे से पूछा गया है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, इनमें एक कैपेसिटी होती है कैपिलरी वॉल्स से पास कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रिलेटेड बाई, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मास सेल। एनसीईआरटी के बाहर से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, विथ रिस्पेक्ट टू द एबीओ ग्रुप देयर आर फोर मेजर ब्लड टाइप्स बिकॉज दिस ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाई, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थ्री एलील्स ऑफ विच टू आर कोडोमिनेंट एंड द थर्ड इज रिसेसिव। तो कोडोमिनेंट कौन है, ए एंड बी इज कोडोमिनेंट, इसके बारे में आप अच्छे से जेनेटिक्स में पढ़ोगे। तो 1998 में क्वेश्चन आया हुआ था पेज नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट, कौन सा ग्रेनुलोसाइट नहीं है। तो लिम्फोकाइट इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेज नंबर 279 से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए इस पेज नंबर 279 से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, हर पॉइंट से क्वेश्चन बना बना के पूछा गया एग्जाम में।
वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ना, तैयार रखना। क्वेश्चन 28, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अप्रॉक्सीमेटली, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेस देन 10 डेज। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि लेकोकाइट की जो एज स्पैन है ये क्या होते हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम समय तक ही जीवित रहते हैं, तो इसलिए 10 डेज ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन्स रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, कौन से केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्प्लीन। NCERT से बाहर से पूछा गया क्वेश्चन है, बट 1996 में आया था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी NCERT से ही मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज मोस्ट एक्यूरेट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, RBC एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2, RBC और प्लाज्मा दोनों ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन 30 NCERT से ही पूछा गया है। क्वेश्चन 31, द लिम्फ सर्व्स टू क्या काम करता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिटर्न द इंटरस्टाइटियल फ्लूड टू द ब्लड, दूसरे से जो इंटरस्टाइटियल फ्लूड उसे दिया जाता है लिम्फ को हमारे ब्लड में से, तो उसे वापस करने का काम करता है लिम्फ, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एंटीजन्स आर प्रेजेंट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑन सेल सरफेस, आपको मिलेगा कहाँ, ब्लड ग्रुपिंग में, जब आप पढ़ोगे पेज नंबर 2 ATP। क्वेश्चन नंबर 33, अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी या ओ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, NCERT क्वेश्चन है पेज नंबर 33 वाले टॉपिक से ही, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है उनको रिलेट करके, तो ए बी क्वेश्चन NCERT से पूछा गया है 1994 में। क्वेश्चन नंबर 34, सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो इंक्लूड RBC एंड लिकोकाइट्स, 1993 में आया था, ए बी ब्लड ग्रुप नहीं, ये आपको पेज नंबर 279 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज AB ब्लड ग्रुप वुमन, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट मैन इज नॉट होमोजाइगस, कौन सा प्रोजेनी बताता है कि मैन होमोजाइगस नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, NCERT का ही क्वेश्चन है, 1993 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ किसकी बनी होती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोथेलियम ओनली। क्वेश्चन नंबर 37, द जीनोटाइप ऑफ बी ग्रुप फादर ऑफ एन ओ ग्रुप चाइल्ड इज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, IUIB, AB ब्लड ग्रुपिंग से ही पूछा गया क्वेश्चन है, 1992 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिम्फोकाइट्स, तो आपको पेज नंबर ए लिम्फ वाले हिस्से में मिल जाएगा कि लिम्फोकाइट्स होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फॉर्मड अप, तो आपने भी पीछे क्वेश्चन देखा था 1993 में जो पूछा गया था, फिर पहले 1991 में पूछा गया, फिर 1993 में इंडोथेलियल सेल्स वाली। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड ग्रुप ABH, करेक्ट ऑप्शन इज बी, नो एंटीबॉडी, AB ब्लड ग्रुपिंग क्वेश्चन है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इनगल्फ्स पैथोजेंस रैपिडली, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स, ए बी NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड, उसे ब्लड की आवश्यकता है, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज, जो उसे दिए जा सकते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, A and O, आप यहाँ पे देख सकते हो कि डोनर ग्रुप क्या होता है, वो NCERT का क्वेश्चन है पेज नंबर 280। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्लेशी कलेक्टेड ब्लड वुड प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को रोक सकता है, तो आप यहाँ पे NCERT से ही पूछा गया क्वेश्चन है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में लिखा गया है कैल्शियम आयन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेजिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली WBC 1989 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी, आयरन, NCERT का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, RBCs डू नॉट अकर इन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काक्रोच में व्हाइट होता है ब्लड, 1988 में पूछा गया था क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक 2 है सर्कुलेटरी पाथवेज डबल सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 47, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, NCERT का ही क्वेश्चन है, इसके लिए आपको देखना कहाँ है, आप जाके देखेंगे कार्डियक साइकिल और इनके बीच में आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन आओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग,
तो ये आपको मिल जाएगा सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, कार्डियक साइकिल, और इन्हीं दोनों टॉपिक के बीच मिलेगा। 2015 पूछा गया था, अभी के 2016 2015, तो हाँ इधर कंटिन्यूसली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर्स यूज स्कोप टू बी हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इस कार्डियक साइकिल, द सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन, कब सुनाई देता है, सेमी ल्यूमिनल वाल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इन टू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ए बी एन सी आर टी का एक क्वेश्चन है, आपको मिलेगा कहाँ, पेज नंबर 284 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी व्हेल, बिकॉज व्हेल इज अ मैमल, और मैमल में क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 51, हाउ डू पैरासिंथेटिक सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये भी इन्हीं दोनों में टॉपिक से है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल के बीच का ही क्वेश्चन है। 2014 में आया था तो एनसीईआरटी का ही था। क्वेश्चन नंबर 52, द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, द पी बी एफ रिप्रेजेंट्स द, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द आर्टेरिया, आप यहाँ पढ़ सकते हो, द पी बी एफ रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आर डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द आर्टेरिया, 2013 में आया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिगर भी आप देख सकते हो 286 पे। 53, फिगर शोज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विच लेवल्स ए टू डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल एंड फंक्शंस ऑफ द पार्ट, 53 फिगर आपको पेज नंबर 287 पे दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हर्ट PO2 95 mmHg। क्वेश्चन 54, बंडल ऑफ फिश इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हर्ट, और आपको हर्ट वाले हिस्से में बंडल ऑफ फिश पुरकिंजे फाइबर पढ़ोगे, पेज नंबर 284 पे आपको मिल जाएगा बंडल ऑफ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म वन विसरल ऑर्गन, पेज नंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेज नंबर 56, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 90/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन 57, गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इन ह्यूमन इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, पीक पी सिस्टोलिक होता है एंड पीक आर डायस्टोलिक होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 286 पे दिख जाएगा। 58, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डेट टेंडिना ऑफ द ट्राइस्पिड वाल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, ज़्यादा बाहर नहीं। क्वेश्चन 59, इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पी डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी, पेज नंबर 286 पे आप देख सकते हैं, द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आर डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 60, इन ह्यूमंस ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डिस्टोलिक राइट आर्टेरियम ऑफ हार्ट ड्यू टू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सक्शन पुल, 2008 में पूछा गया, थोड़ा बाहर है, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेड ब्लड कॉर्पल, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेरी प्लेनेटा, और आपको मिलेगा कहाँ, पेज नंबर 282 पे दिख जाएगा, इसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम
वुड काज कोगुलेशन ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 64, द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली। द डॉक्टर्स फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम। इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ सिनु आर्ट्रियल नोड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2004 में पूछा गया, ए भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको मिलेगा कहाँ, पेज नंबर 284 पे पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सिस्टमेटिक हर्ट रिफर्स टू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। और ए भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 287 वाले हिस्से में, 287-286 के बीच में ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, बंडल ऑफिस इज ए नेटवर्क ऑफ ऑप्शन सी मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। बंडल ऑफिस मैंने आपको अभी बताया, तो पेज नंबर 284 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, 2002 में आया है, इंपल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यस ए नोड। ए भी मिल कहाँ जाएगा आपको, पेज नंबर 284 पे ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पल्मोनरी आर्टरी डिफर्स फ्रॉम पल्मोनरी वेन इन हैविंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थिक मस्कुलर वॉल, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, द एक्टिव मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इनिशिएट द इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वेन मास सेल्स ग्रेनुलेट इज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिस्टामिन। 1919 पूछा गया था, एनसीईआरटी के बाहर से थोड़ा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगिंस बाय द कमांड फ्रॉम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यस ए नोड। ये भी आपको यहीं भी मिलेगा, 284 या 285 पे। क्वेश्चन नंबर 71, एन एडल्ट ह्यूमन विथ एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज। ऑप्शन बी 120 mmHg एंड 80 mmHg, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 72, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट इज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यस ए नोट, फिर ए वी नेट, फिर बंडल ऑफ हिज, पुर्किंजे फाइबर एंड हार्ट मसल्स। आप 284-285 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी का ही है, बाहर का नहीं है। डेप साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, ए भी क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा यहीं पे। पूरे एनसीईआरटी वाले हिस्से को ठीक से पढ़ेंगे तो लब डब आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74 है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे 73 का, ए सेमी लूनर वाल्व्स। 74 है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेडपोल या फिश। 1994 पूछा गया है और ये भी एनसीईआरटी से ही है। पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यस ए नोट, एनसीईआरटी का ही है। 76, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन। क्वेश्चन नंबर 77, अ वीन पोजेज ए लार्ज ल्यूमेन बिकॉज, ऑप्शन डी है, ट्यूनिका मीडिया इज अ थिन कोट। 1919 पूछा गया है, तो एनसीईआरटी के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी पहले आया, 28 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, स्प्लेनिक आर्टरी अराइजेज फ्रॉम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोएलियाक आर्टरी। 1990 का ही क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 79, ट्राई कस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ऑप्शन बी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 80, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है पल्मोनरी। आप फिगर में भी देख सकते हो, 287 में जो फिगर बना हुआ है वहाँ भी देख सकते हो, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सभी आर्टरीज जो हैं वे ऑक्सीजनेटेड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन। 1988 में भी पूछा गया एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज बिटवीन आरएच प्लस मैन एंड आरएच माइनस वुमेन, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, मैन वुमेन में अगर शादी कर दी जाएगी तो। सेकेंड, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाएगी क्योंकि फीटस में, फीटस से ब्लड का लीकेज हो जाएगा अगर प्लेसेंटा से, तो फीमेल के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे, वो एंटीबॉडी
दोबारा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की फिटस की डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन 83 डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया शोज लार्ज इमैच्योर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिविएट हिज सिम्टम्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉलिक एसिड एंड कोबालामाइन। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है द ब्लड कैंसर इज नोन एज ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 85 हीमोफीलिया इज तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मींस रॉयल डिजीज एंड फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। हीमोफीलिया में ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर से कमी होती है ब्लड क्लॉट नहीं होता है अगर कट लग जाता है तो लगातार खून बहता रहता है और सीवर हीमोफीलिया होने पर इंसान की डेथ भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेमेटूरिया। ये बताता क्या है डायबिटीज को बताता है अगर डायबिटीज जो प्रेजेंस होता है यूरिन में तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा बताता है डायबिटीज के लिए ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होता है और डायबिटीज को बताता है ये आप केवल हेमेटूरिया याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया इज कैरेक्टराइज बाई ऑप्शन डी हेमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। तो हमने अभी कवर किया बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि एनसीईआरटी के किस पेज पे इसका आंसर है ताकि अगर आपके अंदर कोई सस्पेंस है कोई शक है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता तो आप खुद भी इस वीडियो को सुने पूरा वीडियो सुनिए एनसीईआरटी के हर पेज पे जाके आंसर को देखिए और आपको ये भरोसा हो जाएगा हाँ कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से तैयार किए रहोगे तो आप 300 प्लस आसानी से एग्जाम में स्कोर करोगी बायोलॉजी में। तो इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बाय दोस्तों।